एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट आए हुए मेरी रीसेंट वीडियो पर कि मैं मशीन कौन सी यूज़ कर रही हूँ इसके बारे में कुछ बताऊँ। काफ़ी लोगों ने पूछा इलेक्ट्रिक मशीन है मैनुअल मशीन है, तो ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है फ्रॉम द ब्रांड उषा जेनोमी प्राइमा स्टिचेस का पूरा नाम है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक मॉडल है। जब मैंने इसको बाय किया था तो मुझे सच आइडिया नहीं था ऑनलाइन शॉपिंग का, तो मैंने इसको ऑनलाइन नहीं लिया था, ऑफलाइन लिया था। और बहुत सारी शॉप्स पर घूमने के बाद मुझे सिर्फ एक यही मिली और मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि इसके एडवांस वर्जन होंगे तो वो कैसे होंगे, तो मैंने इसको ही ले लिया। सो ये है एकदम बेसिक मॉडल प्राइमर स्टिच। इसके अलावा ड्रीम स्टिच और वंडर स्टिच आती है, उनमें और भी अच्छी स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। मुझे ऐसा आइडिया नहीं था और मुझे अपने घर के मतलब सिर्फ अपने कपड़े स्टिच करने के लिए चाहिए था, तो मुझे ये भी सफिशिएंट लगी। और इसको चलाना, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन थे कि अगर हम बिगिनर्स हैं तो कैसे चला सकते हैं बहुत आराम से, और अगर एक बार आपने इलेक्ट्रिक मशीन चला ली ना तो फिर आप मैनुअल वाली से तो काम ही नहीं कर पाओगे। एक तो इससे सिलने में सफाई बहुत आती है क्योंकि हम अपने दोनों हाथों का यूज़ कर पाते हैं। मैं भी पहले नॉर्मल मशीन जो थी मैनुअल मम्मी वाली जो मम्मी की मशीन थी उसे यूज़ करती थी, लेकिन अब कभी घर जाती हूँ और मम्मी कुछ बोल देते हैं कि ये स्टिच कर दे या वो कर दे, तो मैं हमेशा अपनी मशीन अपने साथ लेकर के जाती हूँ कि मम्मी को अगर कुछ काम होगा तो अपनी मशीन से कर दूँगी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे चलाने में ना अब मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं, आदत ख़राब हो गई है। अच्छा, मैं मशीन के फीचर आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक ये मशीन है। सो ये आप देखिए, ये है मेरी मशीन उषा जेनोमी प्राइमर स्टिच, और इसमें इतनी तरह की सिलाई आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो है आप देखेंगे ये काज के लिए है, ये तीन तरह की इसकी सिलाई है, ये पीको के लिए है, और ये तो मैं ना अपनी सलवार पर या जो ये कुशन वगैरह स्टिच करती हूँ इस पर डिज़ाइन डालने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ से आप इसकी सिलाई सेट कर सकते हैं, जितनी भी ये सिलाई है ये सारी यहाँ पर है। ये आपका बैक ले जाने के लिए, मतलब वापस जो करते हैं जैसे नॉर्मल मशीन में उल्टा कपड़ा रखते हैं तो वो करने की जरूरत है, मैं बताऊंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी मशीन ये है और बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, जब आप इसे यूज़ करेंगे ना स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कितनी फास्ट चल रही है, लेकिन एक दो दिन में यूज हो जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, मुझे इससे भी हाई चाहिए थी क्योंकि वो आदत हो जाती है। अच्छा, इसके साथ है ये फुटर केबल, इसका उसमें बोर्ड में लगा हुआ है। ये यहाँ पर केबल है जिसको हम यहाँ लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी, यहाँ पर एक लाइट जल जाएगी, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। ये फुटर है जिसे आप अपने पैरों से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, फुटर ये लॉक हो जाता है, लाइक नीचे रखा हुआ है, बच्चे ना छेड़े। यहाँ पर एक बटन दिया गया है, अब मैंने इसको बाहर की तरफ कर दिया तो ये मेरा फुटर देखिए लॉक हो गया, मेरा फुटर नहीं चलेगा, फुटर नहीं चल रहा। इसको आप शटल जब फिल करते हैं उस टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इसको बंद करूँगी तो आप देखेंगे जो इसका फुटर है वो वर्क करेगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि फुटर किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ इसकी वर्किंग। प्लीज़ गाइस मुझे इग्नोर करना, मैं जैसे भी हो रखी हूँ घर पर मैं ऐसे ही रहती हूँ। और अभी वीडियो में एक कमेंट आया था कि अपनी कैची तो बदल लो, अब जब अच्छा खासा ये काम कर रही है तो क्या करूँ मैं इसको बदल के, मुझे तो सही लगती है। और मैंने शुरू से इसी तरह की, मेरे घर पे भी इसी तरह की थी, ससुराल में भी इसी तरह की थी, मैं मतलब यही यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये कन्वीनियंट लगती है और मुझे ऐसा लगता है जो काम कैची का होता है वो ये कर रही है तो मुझे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं बताती हूँ इसकी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आपको। सो ये देखिए गाइज, इसके साथ ना ये ऐसे ओपन हो जाती है, ये इसका टूल बॉक्स काइंड ऑफ है जिसमें आपको इसके फुटर, इस पैकेट में ही मुझे मिले थे फुटर, थी दो रील थी, एक ये मरून कलर में थी, एक वाइट थी, वाइट तो मेरी ख़त्म हो चुकी है। तीन इसके साथ ये बॉबिन बोलते हैं इसको शायद, शटल, सॉरी गाइज मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता, ये है इसके साथ। और एक ये फुटर था इसके साथ जिसको हम काज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इतनी बड़ी भी टेलर नहीं हूँ। और ये है जो पीको के लिए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है, इतनी बढ़िया पीको होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, इसको मैं यूज़ करके दिखाऊँगी आप लोगों को। और इसका ना शटल भरना भी बहुत ज़्यादा आसान है, देखो ये मशीन यहाँ से ऐसे खुलती है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि जो इसका एक्सटेंशन टेबल होती है, मुझे एक्सटेंशन टेबल की इसलिए नीड नहीं होती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती, लेकिन अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आई थिंक 1700-1800 में एक अच्छी टेबल आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा, और फिर
फिल करना इसको बहुत ज़्यादा ईजी है। अभी इसमें मेरा वही थ्रेड डला हुआ है जिससे मैंने अपना सूट स्टिच किया था, तो मैं एक बार थोड़ा सा ना आपको फिल करके दिखाऊंगी। यहाँ पर इसको लगाना है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसको टक किया ऐसे और हल्का सा प्रेस कर दिया। वैसे जब आप मशीन लेंगे ना तो आपको सिखाने वाला आ जाता है। ये रील है, बैक साइड पर आपको रील लगाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें हमने यहाँ रील डाली, फिर ऐसे, अभी क्योंकि मुझे शटल फिल करना है तो ये स्टेप फॉलो किया, देन थोड़ा सा इसके ऊपर इसको और टक कर दिया। याद रहे कि इसको लॉक करें, देन फुटर का काम, और ये रील इस तरह से इसमें हो जाएगी। तो इसमें शक्ल भरना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब बात करते हैं कि हम इसमें धागा कैसे डालते हैं। सेम ये पूरा स्टेप लिखा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे कि सीधा ले जाना है फिर यू टर्न लेना है, लाइक सीधा ले जाना है और अब इसका यू टर्न लेना है। अच्छा, और नॉर्मली जैसे धागा डालते हैं, हो गया। अब इसको बंद कर देंगे। नॉर्मल यहाँ से तो सेम वही वर्किंग है, आप देखेंगे जैसा नॉर्मल मशीन में होती है सेम वैसा ही है। इसको किया और इसको बंद कर दिया। इसको फुटर को अप डाउन करने के लिए साइड में होता है, ठीक है। और अगर हम इसकी निडल चेंज करनी होती है तो निडल चेंज करने के लिए यहाँ से इसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। आराम से खुल जाएगा और निडल इसकी चेंज हो जाएगी। ये स्टार्टिंग की तीन सिलाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वन, इसको ऐसे ऐसे घुमाइए, टू, थ्री। हमेशा ध्यान रखें जब भी इसे घुमाएं तो जो निडल है वो ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मल सिलाई शुरू हो जाती है। ये बहुत ही छोटा, आप देख रहे होंगे पास से कि बहुत छोटा, बहुत ही आसान है इसको सिलना। जैसे कोई सिंपल मशीन यूज़ करते हैं सेम वैसे ही ये हमें यूज़ करनी है। सॉरी, मैं अब इसको अनलॉक किया और स्टार्ट कर दिया। ये आप देखिएगा, ज़्यादातर मैं इसकी जो है मीडियम वाली सिलाई यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है, इतनी छोटे की नीड नहीं होती। लुक एट दिस। नेक्स्ट सिलाई चाहिए, इसको फिर एक स्टेप घुमाया और अब इसका नेक्स्ट यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप चाहते हैं ऐसी मशीन लेना और आपको ये है कि पता नहीं सिल पाएंगे या नहीं सिल पाएंगे, तो यार हार्डली एक या दो दिन लगेगा। ये देखिए एकदम परफेक्टली लगती है और बैक साइड से भी आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला जो धागा है वो स्टार्टिंग का जो शुरुआती धागा होता है और छोटी सिलाई की वजह से है। आप थर्ड पर जाएंगे, ये आप कच्चा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनर वाला कुछ बनाना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या वो वाली जो चाक पर सिलाई लगा कर हमें बाद में निकाल देनी होती है उसकी जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एकदम बड़ा बड़ा आपको दिखेगा तो बड़ा धागा ये है। इसकी तीन बेसिक नॉर्मल सिलाई, ये एक दो तीन, ये यूज़ होती हैं पीको में। लेकिन आप इन्हें डिज़ाइनिंग में या फिर आपको कोई पैच वर्क करना है उसमें भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक शेयर किया था ना आपके साथ कि मैंने पैच लेकर के लगाया था, वो मैंने इसी सिलाई को यूज़ करके लगाया था। और आप देखो इसको ना हम नॉर्मल किसी भी फैब्रिक पर भी यूज़ कर सकते हैं सिलाई सेलेक्ट की, क्योंकि ये तो बहुत छोटे वाली है। अगर आपको एकदम बारीक पीको करने, वो मैं करके आपको दिखाऊंगी, तब यूज़ करना। ये देखिए, तो ये ना पैच वर्क में बहुत अच्छे से काम करती है, बैक साइड से भी एकदम फिनिशिंग आएगी फर्स्ट। अब हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा दूर दूर आएगा, और तीनों को मैं ना एक दूसरे के एकदम साइड में दिखाऊंगी जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। और गाइज ये मशीन इतनी आवाज़ नहीं करती, मेरी मशीन मांग रही है सर्विस, मैंने इसको अभी तक सर्विस नहीं कराया है तो इतनी आवाज़ ये नहीं करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे। चार साल से देखो मैं बिल्कुल इसे ऐसे ही चला रही हूँ, एकदम परफेक्टली ये वर्क कर। ये है इसकी सेकेंड स्टिच, देखो एकदम फाइन। यहाँ से ये धागा जो आपको दिख रहा है ना, ये इसलिए है कि मैं फुटर एकदम से चला के छोड़ दिया तो इस तरह से हो गया, अदरवाइज़ आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली। और ये ना एक उभरा उभरापन आ जाता है फैब्रिक में, ये आप देखिएगा, ठीक। थर्ड अब हम सेलेक्ट करेंगे ये,
और ये कपड़े को ना बिल्कुल एक जगह इकट्ठा कर देती है। वो मुझे नहीं पता कि ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन एक उभरापन आ जाता है, तो इसके थ्रू आप कढ़ाई भी इजिली कर सकते हैं। स्टिच है ये। अच्छा गाइज, मैंने ना कुछ स्टिच एक साथ कर दी। ये जो आप थोड़ा डैश डैश वाला देखेंगे, ये वाले स्टिच है। बहुत ही अच्छा सा वेवी लाइन आती है, और ये डिज़ाइन मैं यूज़ करूँगी मेरी जब सलवार की जो मोहरी होती है वो बनाऊंगी। नेक्स्ट है ये। जैसा जैसा आपको यहाँ पर दिखेगा ना, सेम वैसा ही वर्किंग है इसकी, ये देखिए। तो अगर आपका कोई सिंपल सा सूट है या उस पर मतलब बुकरम लगा करके आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ये कि थोड़ा लंबी सिलाई देन एक वी देन सिलाई एक वी। ये मैंने यूज़ किया, सेम उसी तरीके से था तो इसलिए मैंने इकट्ठा करके दिखा दिया। और ये है देखिए, इसमें ऊपर की तरफ वी था, इसमें नीचे की तरफ वी है, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस है। तो इस तरह से ये सारे स्टिच वर्क करेंगे, जिनको आप इजीली किसी भी डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके एक मेन फंक्शन की, वो है कि हम इससे पीको कैसे करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो बटन है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका फुटर निकल जाएगा। फुटर निकालना और लगाना बहुत आसान है, इसको जस्ट इसकी जगह पर रखा। तो ये आप पास से देखिए कि ये जो यहाँ पर हल्का सा यू बना हुआ है, ये रखा और फुटर को नीचे हो गया एडजस्ट। इसमें फुटर लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये आप देखेंगे अप एंड डाउन करके। और फुटर खोलना कैसे है, ये हल्का सा प्रेस किया और निकल जाएगा। अगेन मुझे ये लगाना है, तो ये जो अप एंड डाउन वाला इसका बटन है वो यूज़ करेंगे, लग जाएगा। ठीक है, इससे पीको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, जो भी काम है वो मशीन का है। जस्ट मैंने यहाँ से सिलाई सेलेक्ट की, ये पीको के लिए मैं ये वाली सिलाई सेलेक्ट कर रही हूँ। देखो फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड किया। हाँ जी बेटा, माँ अभी देगी, थोड़ी सी स्टार्टिंग की। उसके बाद ना पीछे से भी इसको खींचना है, कभी हम साड़ी वगैरह पर करें तो यहाँ से भी हल्का सा ना, और ये आप फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखना है, ये इसको अपने आप मोड़ता चला जाएगा। बिल्कुल सीधा फैब्रिक हमें रखना है। आप देखिए कितनी परफेक्ट पीको इससे होती है, एकदम बारीक, एकदम अच्छी, बहुत ही अच्छी पीको इससे हो जाती है। कोई से भी पॉइंट से आप कर सकते हैं। अगर आपकी शिफॉन की साड़ी है तो आप बिल्कुल बारीक वाला इसका पॉइंट यूज़ कीजिए। अब मैं इसका फुटर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका एक फीचर आपको बताना भूल गई, जो कि मैं अब आपको बताऊँगी। अच्छा गाइज, इसके अलावा और भी कुछ आपको पूछना होना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो मैं अभी नेक्स्ट सलवार वाली वीडियो बनाऊँगी उसमें बता दूँगी। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सिलाई सेलेक्ट की है, और ऐसे स्टार्टिंग करने के बाद जब आप सिंपल सिलाई कर रहे हैं, कहीं से हमें बैकवर्ड जाना है, तो इसको पुश किया और नॉर्मल अपना फुटर का काम करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर सीधी सिलाई है, बैकवर्ड जाना है, इसको पुश किया, आपको मतलब वो फोल्ड कर करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये थे मेरे मशीन के बिल्कुल बेसिक मशीन के फीचर। और ये जैसा कि मैंने बता दिया कि अब मार्केट में आनी बंद हो गई है, आप इसमें ना मैं फॉल नहीं लगा सकती, जो ड्रीम स्टिच है शायद उसमें फॉल का भी ऑप्शन है, तो चाहे तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, एकदम फैबुलस है। और गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इलेक्ट्रिक मशीन यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो मैनुअल को मतलब ऐसा लगता है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है यूज़ करना। सो जितना मुझे लगा मैंने इसके बारे में बता दिया। अगर और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सलवार की स्टिचिंग की वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। प्लस मैं ये भी बताऊँगी कि आप इस मशीन को यूज़ करके कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सलवार की मोहरी का डिज़ाइन बना सकते हैं। सो गाइज मिलती है अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, घर पे रहें, सेफ रहें।